रूपा जी, देख रहे हैं कि गोल्ड जो कि कल के कारोबारी सत्र में अपने रिकॉर्ड हाई के बेहद करीब था, आज उसी सोने में उसी गोल्ड में गिरावट बनती नजर आ रही है। $1983 पर ट्रेड करता नजर आ रहा है। वहीं चांदी भी जो $27 के ऊपर ट्रेड कर रही थी, $25.8 पर ट्रेड करती नजर आ रही है। आपको क्या लगता है, ये जो सोने चांदी में एक दिन के अंदर अंदर इतनी गिरावट देखने को मिली है, इसके कारण क्या क्या है? गिरावट बनी तो क्यों बनी? देखिए, जो गिरावट आई है सोने और चांदी के अंदर, दरअसल रूस और यूक्रेन के बीच बातचीत शुरू हो गई है, जिसकी वजह से बाजार में ये इंपैक्ट आता हुआ दिखाई दिया है कि हो सकता है कि इन दोनों देशों में अब युद्ध की समाप्ति को लेकर सहमति बन सकती है। इसकी वजह से हमने देखा कि कल रात में ही मार्केट के अंदर काफी उठा पटक देखने को मिली और सोना अपने ऊपरी स्तरों से लुढ़क गया, और सोने और चांदी के साथ साथ कच्चे तेल में भी गिरावट दर्ज की गई है। तो यानी कि अगर युद्ध की स्थिति समाप्त होती है तो सोना और चांदी के साथ साथ कच्चा तेल, तीनों ही कॉमोडिटीज में गिरावट बनती हुई दिखाई दे सकती है, और यही वजह है कि बाजार आज नेगेटिविटी के साथ ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। जी तो रूपा जी, ऐसे में आपको क्या लगता है, अगर सोने में तेजी की जगह अब नरमी वाला रुख बनता है और जो प्राइसेस हैं वो थोड़े कूल डाउन होते हैं, तो इसका असर अब मार्केट के साथ साथ अन्य कम्युनिटीज पर कितना देखने को मिलेगा? क्या अब पहले वाली स्थिति बनती नजर आएगी जैसे हमने प्री वॉर की देखी थी? देखिए, अभी अगर युद्ध की स्थिति समाप्त होती है तो बिल्कुल सभी कम्युनिटी के ऊपर एक बार नेगेटिव इंपैक्ट आता हुआ दिखाई दे सकता है, बाजारों में गिरावट जो है वो बढ़ सकती है, लेकिन इन्फ्लेशन का खतरा अभी भी बना हुआ है और उसके मद्देनजर आगे चलकर वापिस से मार्केट जो है वो स्टेबल होते हुए दिखाई दे सकते हैं। अभी एक तरफा रैली जो आती हुई दिखाई दी थी वो गिराव थमती हुई दिखाई दे सकती है, और बाजारों में जो तेजी बनी थी वो तेजी गायब होती हुई दिखाई दे सकती है, और मार्केट अपने पहले वाले स्तरों पर ट्रेड करता हुआ दिखाई दे सकता जी। रूपा जी, देखते हैं कि अगर वॉर के बाद अगर कोई समझौता होता भी है, कुछ कॉम्प्रोमाइजेशन होती भी है, तो उसके बाद से जो चेंजेस होते हैं वो एक दिन में नहीं हो जाते हैं, उसमें भी टाइम लगता है। तो ऐसे में आपको क्या लगता है, अगर गोल्ड सिल्वर के प्राइसेस समझौते के चलते, कॉम्प्रोमाइज के चलते ज़्यादा तेज भी नहीं जाते हैं या फिर नया रिकॉर्ड नहीं बना पाते हैं, तो क्या ज़्यादा गिरावट भी नहीं देखने को मिलेगी, ऐसा रहेगा, या फिर पहले वाले लेवल्स आ जाएंगे? देखिए, बहुत ज्यादा गिरावट तो अभी फिलहाल नहीं कह सकते हैं। देखिए, अभी क्या बातचीत अभी शुरू हुई है और ऐसा मार्केट ने प्रिडिक्ट कर लिया है कि हो सकता है कि स्थिति संभलती हुई दिखाई दे, जिसकी वजह से एक बार ऊपरी स्तरों पर मुनाफा वसूली आते हुए दिखाई दी है। अभी इसका कोई नतीजा निकल कर नहीं आया है कि क्या बातचीत हो रही है और उसका क्या असर आएगा, अभी ये सब कुछ देखना बाकी है, लेकिन फिलहाल जो मार्केट है अभी उस न्यूज बेस के ऊपर अभी ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है, सारा मार्केट ही उस हिसाब से कारोबार करता नजर आ रहा है, तो उसकी वजह से बाजारों में गिरावट है। अभी ये प्रेडिक्ट करना कि कैसा रहेगा मार्केट, ये थोड़ा मुश्किल होगा, क्या स्थिति बनती है उसके ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करेगा। जी रूपा जी, कल के कारोबारी सत्र में हमने डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपये में भी काफी ज्यादा गिरावट आते हुए देखी थी, रुपया भी अपने यूएसडी के मुकाबले ऑल टाइम लो पर चला गया था, $77 पर ट्रेड करता नजर आया था। आपको क्या लगता है, क्या अब भारतीय रुपये में कुछ सुधार हो सकता है और उसका असर गोल्ड सिल्वर दोनों में, हम देखते हैं कि कनेक्शन रहता है हमेशा, अगर गोल्ड सिल्वर तेज है तो रुपया डाउन जाता है, रुपया डाउन जाता है तो गोल्ड सिल्वर तेज हो जाता है, तो ऐसे में आपको क्या लगता है, अब गोल्ड सिल्वर में जो गिरावट आई है, नरमी आई है, उसका असर अब भारतीय रुपये पर कितना मिलेगा? देखिए, अभी फिलहाल थोड़ा बहुत हो सकता है कि ये डाउनसाइड के चलते रुपया हल्का फुल्का रिकवर होता दिखाई दे, लेकिन फिलहाल अभी कोई बहुत ज्यादा ऐसी स्थिति बनती हुई दिखाई नहीं दे रही है। अभी जो है बाजार जो है उस खबर को के हिसाब से रिएक्ट करता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से सोना ऊपरी स्तरों से फिलहाल फिसला है, लेकिन रुपये में फिलहाल बहुत ज्यादा कोई स्ट्रेंथ आती हुई दिखाई नहीं दे रही है। जी,